वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर उसकी एंड हुई थी। जियो पूछ रही होती है कि तुम कहीं मोटो को कैसे जानते हो। कैंग उनके पास आकर उनके आँख को पट्टी बांध रहे होते हैं, जैसे मोटो वो बचपन में जियो के आँख पर बांधा किया करते थे, और पास आकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं हूँ। पर जियो कहती है कि तुमको वो गिल्ट फील हो रहा है ना, इसलिए तुम मुझे बता नहीं रहे हो। अगर तुम मोटो नहीं हो तो तुमको कैसे, तुम्हारे रूम में वे पेपर कैसे मिला जिस पर मोटू मुझे लेटर लिखकर भेजा करता था। ये सब को कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है तब, और ये सब तुम कैसे मुझे एक्सप्लेन करोगे। फिर कैंग जियो को एक पेपर देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, जो मोटू बॉय ने तुम्हारे लिए दिया है तुमको। फिर उसके बाद जियो वे लेटर को पढ़ रही होती है और कैंग बाहर होते हैं। फिर जियो अपना दुख छुपाकर बाहर आती है और कैंग से कहती है कि ये कितना अच्छा है ना कि मोटू एक अच्छा जगह पर अब काम कर रहा है, और अब उसकी एक सुंदर सी वाइफ भी है जिससे उसकी शादी हो गई है। कैंग कहते हैं क्या तुम सैड हो उसके लिए। जियो कहती है कि नहीं, मैं क्यों सैड होंगी, मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। मोटू मेरा बचपन का दोस्त है आखिर, और बचपन से वे अकेला था और आज वे एक अच्छी लाइफ जी रहा है, तो मैं तो उसके लिए खुश ही होंगी। कैंग कहते हैं तो क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। जियो कहती है नहीं, और मैं ये भी अब भूलने की कोशिश करूँगी क्योंकि वे भी अब अपने लाइफ में खुश है, कि वे भी मुझे भूल जाए मैं तो यही चाहूँगी, तब सब अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब किसी के बारे में ये सोच रहे होते हैं तब आसपास का काला बादल छा जाता है हमारे पास, क्योंकि वे इंसान अब आपके साथ नहीं होता है। तो कैंग कहते हैं कभी कभी लोग का अलग होना डेस्टिनी होता है, पर वे वापस क्यों मिल जाते हैं ये मुझे नहीं समझ में आता है। इस पर जियो कहती है शायद उनके लाइफ में मिलकर कुछ काम करना बाकी रह गया होगा इसलिए वे वापस मिलते हैं। फिर जियो कैंग का हाथ पकड़ कर कहती है आप चिंता ना करें, मैंने आपसे अब वादा किया है कि अब कभी भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और आपका साथ करूंगी हमेशा, और आपके लिए हमेशा लॉयल भी रहूंगी। अब मैं आपसे कभी भी भागूंगी नहीं और मरते दम तक आपका साथ दूंगी, और जो भी मेरे पावर में होगा मैं उसमें आपकी हेल्प जरूर करूंगी। कैंग कहते हैं अच्छी बात है कि तुम अपने बात पर ही रहना, ये सब जो भी कुछ बोलियो अपने बात पर वापस मत जाना, और अब चलो घर। और कैंग अपना कुछ डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहे होते हैं और जियो उनके रूम में लाइट से रोशन कर रही होती है उनका रूम। फिर कैंग उन्हें कहते हैं जाओ तुम अब रेस्ट कर लो, कल और भी काम है तुम्हारे पास। पर जियो कहती है ठीक है तो मैं आपका बेड लगा देती हूँ, पर कैंग मना कर देते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अब अपना काम करो, जाओ तुम अपने रूम में, क्योंकि अब तुम्हारा खुद का अब एक रूम है। मैंने फुगी से बोल दिया था कि तुम्हारा एक रूम बनवाने के लिए, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रूम में रहो, आखिर तुम एक लड़की ही तो हो, क्या हुआ अब तुमको जाना नहीं है। पर जियो मुंह फुलाकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसके उन्हीं के साथ रहना होता है। अगली सुबह जियो बस कैंग के बारे में सोच रही होती है और तभी वहाँ पर प्रिंसेस आती हैं और जियो से कहती है कि तुमने उस बारे में क्या कहा था, वे अभी तक भी अब पूरा नहीं हुआ है, वे कब पूरा होगा, क्या तुम उसके बारे में और भी बता सकती हो, क्योंकि मैंने उसके बारे में सोच के मुझे नींद नहीं आई है अभी तक, क्योंकि जो तुमने बताया था वे कब पूरा होगा मैं यही सुनना चाहती हूँ, मुझे और कितना वेट करना होगा। जियो कहती है बहुत जल्दी पूरा होगा प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है तुमको मुझे एक्यूरेट डेट बताना होगा अब कि अब कब पूरा होने वाला है, और मुझे यहीं पर बताओ कि तो वे मुझे कहाँ पर बांधेगा। फिर जियो आसपास जगह खोजती है कि आखिर मैं प्रिंसेस को कहाँ बताऊँ कि कैंग उनको कहाँ बांधेंगे। तब जियो एक जगह देखती है ग्रैप्स का बगीचा, जहाँ वहाँ पर वे इशारा करती है प्रिंसेस आपको कैंग ना यहाँ पर बांधेंगे, और फिर वे वहाँ पर लेकर जाती है। तब प्रिंसेस तो अपना ख्याल पका रही होती है कि आखिर कैंग उन्हें कैसे बांधेंगे, और कह रही होती है कि कैंग तो बहुत इंटरेस्टिंग गाय है। फिर वे उसी बगीचे में जियो के कहती है कि
तुम अब मुझे बांध कर बताओ कि वे मुझे कैसे कैसे बांधेंगे। तब जियो कहती है मुझे अब अच्छे से नहीं याद है प्रिंसेस। तो प्रिंसेस कहती है मुंह फुलाकर कि मैं तो जानती थी कि तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देती हो, टेंशन ही नहीं देती हो मुझे, इसीलिए तुमको याद नहीं है। तुम अब याद करने की कोशिश करो, तुमको याद आ जाएगा, और मुझे उसी तरह से बांधो कि जिस तरह से कैंग मुझे बांधा करते थे। फिर जियो वैसा ही करती है क्योंकि प्रिंसेस तो मान ही नहीं रही होती है उनका बात। तो फिर उसके बाद प्रिंसेस कहती है कि प्रिंसेस हो गया बस ऐसे ही हुई। और तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाते हैं। कैंग कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे पास और काम नहीं है। तब वे प्रिंसेस को देखते हैं तो प्रिंसेस को वे रिस्पेक्ट देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि प्रिंसेस मुझे कैंग जियो को लेकर जाना है, उसके पास और भी काम है, ये बाद में आपसे मिल लेगी। प्रिंसेस कहती हैं मुझे भी जियो का अभी बहुत काम है, तो मुझे जियो अभी यहाँ पर ही रहेगी, तुम फूगी के साथ अपना काम कर लो, और तुमको फूगी को लेकर जाना चाहिए ना, तुमको इतना क्या जरूरत पड़ता है ये जियो का कि तुम बार बार जियो के साथ ही जो काम करना चाहते हो, तुम फूगी को लेकर जाओ। तो फिर उसके बाद कैंग कहते हैं अगर आपको फूगी इतना ही पसंद है तो आप इसको अभी अपने साथ रख सकती हैं। और फिर वे जियो को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कैंग जियो से कहते हैं तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे कपड़ों के अंदर ये स्ट्रेचिंग वाला लगा देता हूँ, ये थोड़ा तुमको रिलैक्स फील करेगा, तुम्हारे कपड़े के कारण तुमको इचिंग होता है ना, तो मैं इसके लिए लगा देता हूँ। तब जियो कहती है मुझे तो लगा था कि तुम सही में मेरी हेल्प करना चाहते थे, इसलिए तुम वहाँ से मुझे प्रिंसेस से बचा कर यहाँ पर ले आए हो। लेकिन फिर कैंग कहते हैं ये भी तो तुम्हारी हेल्प ही कर रहा हूँ, तो साथ ही से बैठो और मैं लगाता हूँ। तो फिर उसके बाद जैसे जैसे जियो के पास वे आ रहे होते हैं वैसे ही जियो नर्वस हो रही होती है बहुत, और ये सब प्रिंसेस देख लेती हैं। और फूगी भागते हुए उन चीफ के पास आते हैं और चीफ से कहते हैं राजा ने जियो को अकेले बुलाया है। फिर जियो कैंग से परमिशन लेकर वहाँ से जाती है, पर कैंग कहते हैं कि राजा के हर एक क्वेश्चन का अच्छे से सुन के आंसर देना, कुछ भी गलत आंसर मत देना, नहीं तो फंस सकती हो तुम, क्योंकि वहाँ पर मैं तुम्हारे पास अभी नहीं होऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। फिर उसके बाद जियो वहाँ से चली जाती है। फिर राजा जियो से पूछते हैं कि तुम उन कैंग के प्लेस पर कब से रह रही हो, और मुझे तो लगता है कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है तुम्हें कैंग से मिले हुए ना, तो और भी कुछ बता सकती हो। और जियो तो बस मन में यही सोच रही होती है कि राजा बहुत चालाक है, यहाँ पर कैंग नहीं है तो उसके बारे में बहुत सवाल पूछ रहा है मुझसे। राजा कहते हैं तुम्हारे पास कुछ खास बात है क्या जो क्या बोलते कैंग तुम्हें इतना मानता है। जियो कहती है नहीं राजा ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी आम लोगों की तरह ही हूँ। और तभी वहाँ राजा के पास एक बर्ड का फैदर और एक सेवक लेके आते हैं, जिन्हें देखकर जियो कहती है कि कैंग मुसीबत में है अभी। थैंक यू दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ तक ही एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट करें, और आगे आपको अगर और भी पार्ट के एपिसोड के देखने हैं तो वे आपको प्लेलिस्ट, एक फुल प्लेलिस्ट इस एपिसोड सबके मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।